हर साल भारत के कोने कोने में रावण के पुतले जलाए जाते हैं। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण केवल पौराणिक कथाओं का एक खलनायक नहीं था? रावण के जीवन में ऐसे कई अनछुए पहलू और रहस्यमय तथ्य छिपे हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको रावण के कुछ अनजाने तथ्यों से परिचित कराएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रावण, जिसे हम अक्सर विलेन के रूप में जानते हैं, असल में भगवान ब्रह्मा के परपोते थे। हाँ, आपने सही सुना, ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक प्रजापति पुलस्त्य थे और उनके पुत्र थे विश्रवा, जो एक ब्राह्मण थे। विश्रवा की दूसरी पत्नी राक्षसी के किसी से रावण का जन्म हुआ। इस प्रकार रावण ब्रह्मा के परिवार से जुड़ा था। रावण के भाई बहनों की बात करें तो हम सभी विभीषण और कुंभकर्ण को जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि धन के देवता कुबेर भी रावण के सौतेले भाई थे। विश्रवा की पहली पत्नी इडविडा से कुबेर का जन्म हुआ था। रावण और कुबेर में भाई होने के बावजूद रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। रावण ने कुबेर को लंका से निकालकर अपनी शक्ति स्थापित की थी। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि रावण को केवल प्रभु श्री राम से हार मिली थी, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रावण इससे पहले भी 2 बार हार चुका था। वानर राज बाली और माहिष्मति के राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने उसे युद्ध में परास्त किया था। यह दर्शाता है कि रावण जितना शक्तिशाली था, उसे भी अपनी गलतियों और अहंकार के कारण हार का सामना करना पड़ा। रावण की एक और खासियत थी, वह ग्रहों की चाल को नियंत्रित कर सकता था। जब रावण का पुत्र मेघनाद जन्म लेने वाला था, तब रावण ने सभी ग्रहों को आदेश दिया कि वे बच्चे के 11वें भाव में स्थित हो ताकि मेघनाद अमर हो सके, लेकिन शनि देव ने ऐसा करने से मना कर दिया और इसी कारण मेघनाद अमर नहीं हो पाया। इस बात से रावण ने शनि देव को कैद कर लिया था। देश भर में दशहरे के दिन रावण दहन मनाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के नटेरन गांव में रावण के पुतले नहीं जलाए जाते। यहाँ रावण की पूजा होती है और उसकी बरसी मनाई जाती है। इस गांव को रावण की पत्नी मंदोदरी का गांव माना जाता है और इसीलिए यहाँ के लोग रावण को सम्मान देते हैं। रावण की कहानी में अच्छाई और बुराई के संघर्ष के कई रूप हैं। हम उसे एक खलनायक के रूप में जानते हैं, लेकिन उसकी महानता और उसकी कई असाधारण शक्तियों से इनकार नहीं किया जा सकता। रावण हमें यह सिखाता है कि किसी भी शक्ति या ज्ञान का दुरुपयोग विनाशकारी हो सकता है। धन्यवाद इस विशेष जानकारीपूर्ण यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप रावण के कौन से पहलू से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।